हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय, और मेरे साथ है मेरे प्यारे दो भाई। हमको तो पहचानते ही होगा लेकिन हमारे हीरो संजीव को तो पहचानते ही है। ये हमारा नया भाई है देव, अभी निकला है। तो जैसे कि आप लोग पिछला व्लॉग में देखा होगा, हम लोग लालू के आंटी का दमे पहुंच चुका था। वो आंटी का बेटा है, आंटी का बेटा, ये देखो मेरा कजिन ब्रदर है। तो आज हम लोग जा रहा है थोड़ा सा दूर, शाम को नजारे देखते हुए। कहाँ जाएगा थोड़ा देर में पता चलेगा, तो नजारा एंजॉय कीजिए। ये छोटा सा यहाँ ट्राई जंक्शन है, तो यहाँ पे पुलिस आया हुआ है, तो शायद कुछ होता होगा, तो इसीलिए वो लोग आके यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग जाएगा राइट। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लालू दिल्ली मार्केट। डेली मार्केट लिखा हुआ था वहाँ पे। डेली मार्केट, हम दिल्ली ना। चलो ये भाई डेली मार्केट, लालू दिल्ली मार्केट। हम लोग भाई आज आप लालू के बारे में कुछ बताएगा आप लोगों को। लालू में ऐसे कुछ नहीं, छोटा सा टाउन है बस, वही इसी उतना ही है, कुछ नहीं हो गया। डेली मार्केट यहाँ का कुछ इस तरह से है। अभी हम लोग लालू का तरफ से उधर बंदरदवा तरफ जा रहे हैं, तो वही आज हम लोग का ड्राइवर साहब है इस तरह से। Yes. तो कैसा ड्राइव कर रहे हैं, तो आज उसका लुक्स भी बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। ऐसा ही तो क्या? उसका लुक्स आप लोगों को कैसा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा मत बोलो, हम डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमको भी देख लीजिए, तो हमको भी बहुत अलग से, हम खुद को हीरो हीरो लग रहा है। शायद वो यहाँ का पानी से मुँह धुला लिया ना, तो शायद इसीलिए ऐसा होता हो, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा खुद को। और हमारा भाई तो और बहुत ही ज़्यादा कूल है, मतलब पैदा ही कूल हुआ था। वही उसके, और वो देखिए उसका दाढ़ी वाड़ी भी बहुत ही ज्यादा कूल है। तो आप लोग दाढ़ी को देख के जरूर कमेंट करना, हमारा भाई बहुत ही हसमुख और बहुत ही खुशी। वो दाढ़ी में कितना तो लड़के लोग फंस गए। और ये है अभी हम लोग कहाँ पहुँच चुके थे, अभी हम लोग लालू पार होके हरमती वाला रास्ता है। तो लालू की सीन कुछ इस तरह से है, बहुत ही ज्यादा कूल, और अभी बहुत ही ज़्यादा कूल, और यहाँ का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा सुनहरा। और वो आज सुबह से यहाँ पे पूरा बारिश, सुबह से कंटिन्यू बारिश गिरा हुआ था, तो इसीलिए पानी भी आप लोग देख रहा होगा, तो थोड़ा पानी थोड़ा खेत में भरा हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं हरमती की ओर। हरमती बोले तो आपका हरमती होके बंदरदेवा तरफ, जहाँ से ईटानगर जाता है, तो उस तरफ जा रहा है अभी। ये हमारा हरमती का बहुत ही सुंदर पहाड़ देखे, ये आप जाते हैं जंगल के बीच में, पूरा रास्ता का साइड साइड में पूरा गच्ची गच्ची है। तो यहाँ में गर्म दिन में बहुत बढ़िया हवा आता है, अभी भी बहुत मज़ा हवा आ रहा है गाड़ी के अंदर में। और इस तरफ में हमारा हरमती का रेलवे स्टेशन काम पे, इसको ये दिखाई देगा अभी, जस्ट दिखाई देगा ये गच्ची लोग पार होने का सबसे दिखाई देगा अभी। इस तरफ देखो वो वाला ना, वो है हमारा हरमती का रेलवे स्टेशन। बाद में ये इधर ही आना है हम लोग को शाम को, क्यों आना है बोलने से थोड़ा देर में बताता हूँ। कहीं जाना है, बहुत दूर जाना है हमको। तो अभी हम पहुँच चुका है हरमती मार्केट। तो हरमती मार्केट का नज़ारा कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं छोटा सा मार्केट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आदमी होता है, बहुत ही ज़्यादा इंसान होता है, क्योंकि मैक्सिमम अरुणाचल का या ईटानगर तरफ का घूमतो साइड तरफ से, यूपीआई तरफ से पूरा आदमी लोग मार्केटिंग करने यहीं पे आता है, बहुत सस्ता मिलता है बोल के। और ये जो राइट साइड का रास्ता है, इधर से जाता है हमारा घूमतो रोड, घूमतो रोड होकर द्विमुख होकर जाते हैं, और इस तरफ से जाता है सीधा रास्ता है जाता है बंदरदेवा। तो अभी भी हम लोग जा रहे हैं बंदरदेवा। बंदरदेवा में कुछ बहुत ही मज़ा सामान लेना है, इसलिए जा रहे हैं। आज सरप्राइज है हमारा संजीव बाबू का, वही तो अभी हम लोग बंदरदेवा जा रहे हैं। तो बंदरदेवा जाके आप लोग वही देखिए बंदरदेवा में तो क्या क्या मिलता है, जो जो नए कुछ मिलते हैं तो हम लोग लेने की ट्राई करेंगे। और क्या जी, और वही ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, वही ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और हम लोग पीछे एक वो ब्रो चुपके बैठा हुआ है, तो ब्रो आप भी कुछ बोल दीजिए। बोलने के लिए सब नहीं है यहाँ पे, कितना समय हो गया यहाँ, क्या होता है हरमती नहीं आने, थोड़ा समय हो गया होगा ना। हो गया 10 दिन जैसे हो गया। वही हम लोग ब्रो का घर सामने पे ही है, तो ब्रो तो कंटिन्यू आते रहते हैं, तो बोलने के लिए कुछ सब नहीं है बोल के बोल रहा है, लेकिन वही थोड़ा
क्या होता है संडे को बहुत रश होता है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होता है संडे को, बहुत भीड़ भाड़ होता है, पूरा मार्केट बैठता है हमें यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे मार्केट लगता है ना, ये इसको मार्केट इधर दिखाओ ना ऐसा करके, वही ये जो ये रोड का ये साइड में जो ये खाली वाला स्पेस है और ये जो स्पेस है तो यहाँ पे सब मार्केट लगता है। तो ये है यहाँ से रेलवे स्टेशन जाता है हरमती का। तो आप लोग थोड़ा बाद फिर बैक आने वाला है वो जगह पे, तो क्यों आ रहा है तो आप लोगों को बताएगा, क्योंकि हम लोग बहुत दूर जा रहा है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बंदरदेवा, पहुँचने वाला है बंदरदेवा। तो बंदरदेवा का ये है बहुत ही डेंजर वाला वीर ब्रिज, बहुत पुराना है, आप लोग ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पूरा बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। और ये देखिए, ये आज कंटिन्यू शायद ईटानगर पे बहुत ज़्यादा बारिश गिर रहा है, तो इसीलिए ये नदी भी थोड़ा भरा हुआ है। और वो देखिए पूरा ईटानगर तक शायद पूरा बहुत ही ज़्यादा बारिश गिर रहा होगा, तो पूरा फोग लगा हुआ है। तो इस तरह भी आज सुबह से कंटिन्यू बारिश ही गिर रहा था, तो बारिश से गिरने से हम लोग शायद गर्म पे यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होना था। तो बारिश गिर के थोड़ा हम लोग को मिल रहा है सुकून, नज़ है, बहुत ही आनंद है, आनंद ही आनंद, परम आनंद। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, एंटर कर चुके हैं बंदरदेवा। बंदरदेवा का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे एवरी टाइम आदमी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, तो क्यों बोलने से यहाँ पे असम और अरुणाचल का बॉर्डर है, तो उसी का वजह से यहाँ पे हर दिन बहुत ही भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन आज थोड़ा कम है, क्योंकि अभी थोड़ा शाम हो चुका, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे इंसान लोग। इस तरह से असम, ये जो आप दिख रहा है ये सब असम है, और ये है अरुणाचल, ये है सब अरुणाचल। और जो ये वन सब लोग है तो आपको सिर्फ अरुणाचल साइड में ही दिखाई देगा, असम में, असम साइड में एक भी दिखाई नहीं देगा। और ये है होटल डिक्रोंग, लेजेंडरी होटल यहाँ का। और यह असम तरफ कुछ इस तरह से अंकल लोग सब्जी बेच रहे हैं। और ये है बंदरदेवा का ट्राई जंक्शन, यहाँ से जाता है अरुणाचल ईटानगर, जो कि है अरुणाचल का कैपिटल। और वो आप देख रहे हैं वो है अरुणाचल का मेन एंट्री गेट ईटानगर का। और ये है हमारा भगवान जी, तो जय बजरंग बली। और यहाँ पे हम लोग पार्किंग करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे पार्किंग जगह खाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पैक है हर जगह। तो फाइनली हम लोग को पार्किंग के लिए जगह मिल गया, तभी हम लोग यहाँ पे पार्क करेगा। तो यहाँ पे पार्क करके तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है तो वो देखिएगा। तो हमारा बाबूजी कंफ्यूज हो रहा है, देखिए मोबाइल पे बाबूजी कंफ्यूज। ये हमारा बाबू का नया फ़ोन अनबॉक्स होते हुए, ये हमारा ये दुकान का दादा एक तो बहुत सुंदर वाला स्माइल दिया है, उसका वहाँ से फ़ोन ले जा रहा है बोल के। वाह क्या सुंदर है दादा का स्माइल और फ़ोन एक ही साथ पूरा चमक रहा है पूरा। बाबू इज़ वेरी हैप्पी, न्यू फोन बाबू का आज पार्टी। नया फोन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मजा लगा है, दाम भी बहुत बढ़िया है, बढ़िया भी देगा। ठीक है अभी बाबू खुश है, अभी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है नया फोन देख के। दिशा मत करो बोल रहे हैं बाबू, जो बाबू का पास है बहुत ज्यादा पैसा है, सबका पैसा है ना, उसका खुद का पैसा है। बापू जी जैकपॉट लग गए, वाह मनी अपना सपना मनी। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग हमारा संजीव का बहुत सुंदर सा एक फोन लेके वापस जा रहे हैं घर। तो हमारा संजीव तो बहुत ही एक्साइटेड है, वही बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत फीचर्स में कैसे होगा तो आपको हम वही क्या होता है जब यूज़ करके जरूर बताएगा, रिव्यू देगा। अगर पसंद होने से आप लोग वो फोन
सकेगा। और आप लोग को नया फोन चाहिए बोलने से वो दादा का में जाए 15-20 में, अच्छा डिस्काउंट देगा आपको। वही और हम लोग की वही डिस्काउंट, बढ़िया डिस्काउंट मिला है क्या, मतलब मिलेगा बोल के मिल चुका तो अच्छा बढ़िया लग, खुशी लग रहा है। वही जीरो से आने वाला फायदा हो गया ना, है कि नहीं बाबू? वही जीरो में भी मिल रहा था वो फ़ोन, लेकिन हम लोग जीरो से छोड़ के इतना दूर आए हैं फ़ोन लेने के लिए, तो वो तो फ़ायदा हो गया। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर, तो एक्साइटमेंट में आज है पार्टी हमारा बाबू के तरफ से, आज की पार्टी बाबू की तरफ से, है ना बाबू? है कि है ना भाई? भाई भी पूरा खुश है, पूरा पार्टी वार्टी मनाएगा बोल के, अभी घर में होगा पार्टी। बात बोलेगा बोलना चाहते हैं हम ना, तो वही हम बोल रहे थे ना, पहले हम जब पूरा रास्ता क्रॉस कर रहा था ले फोन कर नहीं आया बोल रहा था ना, आज तो पहले फोन ले चुका था, अभी हम तो आज ही लिया, तो वही बहुत ज़्यादा खुशी है। वो समय में हम ब्लॉगिंग शुरू भी नहीं किया था, वो समय में बात किया था कि ये जगह में फ़ोन लेने आएगा बोल के, तो फाइनली आज आ गया, आके वो दिन आज को हकीकत बन गया जो सोचा था वही, और फोन भी बढ़िया से ले लिया तो बहुत खुश है। और बोलते हैं ना जो जिस चीज को शिद्दत से चाहो और क्या था जे? तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे तुम्हें उनसे मिलाने की साजिश में लग जाती है बोलते हैं ना। वही मतलब बोलना ये चाह रहा है कि मतलब आप जो भी मतलब जो चीज भी करते हैं जिंदगी में एम होना चाहिए। वही सही बोला, वही मतलब ये बड़ा बात तो नहीं कि हम फोन ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वही मतलब कुछ एम होने से, लेकिन वही आप उसको लेकिन कंटिन्यू आप करते रहने से जरूर एक ना एक दिन पूरा होगा। आप लोग भी कंटिन्यू कीजिए, तो मतलब जब भी मतलब कुछ ऐसे काम करेगा तो कुछ ना कुछ एम होना होना पड़ता है। सही बोला है, और क्या बोलेगा सर? सही है, सही है बाबू, सही बोला है। आज तो यही बोलेगा कि पार्टी है, पार्टी ओए, पार्टी पार्टी पार्टी। चलो ठीक है, तो मिलते हैं आगे, अभी घर जाए, घर पहुंचने वाला है। तो ये है हमारा हरमती स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, हमारा बाबू जा रहा है और संजीव ड्रॉप करने आया है। बाय बाय, तो ये है हमारा हरमती का रेलवे स्टेशन, और ये हमारा हैंडसम बाबू आज बहुत ही खुश है, हम दिल्ली जा रहे हैं, हैप्पी जाने ना बाबू ना। बैग सेक पूरा पैक होके है, दो महीने के बाद आएगा, दो महीने का पैसा कमा के मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, टाटा टाटा, अच्छे से जाओ ना। ओके टाटा, बाय बाय। और ये हमारा बापू जी, और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन हरमती का, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा है, और ये हमारा नया 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 दोस्त, हमको बहुत सारा चिप्स खिला रहे हैं हम लोग। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, यहाँ पर हेलो बोलो, हाय बोलो। हाँ, तो हमारा ट्रेन फाइनली आ चुका है, उस तरफ A4 उस तरफ होगा हम लोग का, तो वहाँ है हमारा स्टेशन का बोगी नंबर। कितना 12-13 9 नंबर 9 नंबर इधर है, ये वाला है। इतना नीचे भाई रुक ले थोड़ा सा, जाने दीजिए, साइड करने दीजिए पहले। होगा तब तो जाए, बैग मतलब बोक ना, दोनों बैग याद रखे नहीं, पानी से बैग को भीतर से टॉर्च भीतर बैग को भीतर से थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। हां ला जाना जाना सेल जरी ला। ओके ला ला मैं पूरा रन। बाय बाय, ला टाटा, बाय बाय। और जैकेट पहन के जाए, ठंडा लगेगा। जैकेट लाऊं नहीं,
तो अभी हम लोग हमारा बापूजी को सिलीगुड़ी का न्यू एनजेपी का मेन तो एनजेपी का है, एनजेपी का ट्रेन में उठा के वापस जा रहे हैं। अभी जाएगा हम लोग, बहुत हम लोग का भी जर्नी है पिताजी का साथ साथ। पिताजी ट्रेन में जर्नी करना है, हम लोग गाड़ी में जर्नी कर रहे हैं। अभी हम लोग जाना है बहुत दूर आसाम गायगांव, तो ट्रेन भी जाने वाला है। 10:30 हो गया, 10:30 हो गया। अभी शायद वहाँ पहुँचते पहुँचते 12-1 बज जाएगा होगा। तो भी चुका है, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो हम लोग भी वो एक बहुत तक चुके हैं, भी चला गया। आगे का कुछ होने से दिखाएगा, कुछ नहीं बोलने से घर पहुंच जाएगा, एक बार वहां पहुंच के दिखाएगा। तो नया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, ये हमारा ट्रेन स्टेशन भी, गुड नाइट स्टेशन।